नमस्कार शिक्षक मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मित्रों, असाइनमेंट से संबंधित एक बहुत बड़ा पत्र का खुलासा हुआ है जो कि मुझ तक पहुंचने में थोड़ा समय लग गया। यह 30 तारीख का लेटर है जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें बताया गया है कि अगर आप असाइनमेंट से संबंधित किसी की नकल किए हैं तो फिर आपको एक भारी बदलाव करनी है अपने असाइनमेंट में। चलिए तो मैं पहले आपको वो लेटर दिखा देता हूँ। ये रायपुर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ शंकर नगर रायपुर का लेटर है। यह देख सकते हैं दिनांक 30/12/2017 को यहाँ प्रति समस्त अध्ययन केंद्र दूरस्थ शिक्षा CERT CGNIOS DLED पाठ्यक्रम विषय में दिया गया है कि SCERT CGNIOS के दूरस्थ शिक्षा केंद्रों पर हस्तलिखित या अंकित सत्रिकार के कागजात को जमा करने और अध्ययन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। जैसा कि दिशा निर्देश तो मैंने पहले से आप लोगों को बता दिया था, ये कुछ उसी प्रकार से है। इसमें थोड़ा आप ध्यान दे दें, NIOS के दूरस्थ माध्यम से DLED कर रहे प्रारंभिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों हेतु प्रत्येक सत्र में कुछ सत्रीय कार्यों को पूरा कर अपने अध्ययन केंद्रों पर जमा करने का निर्देश जारी किया जा चुका है, जिससे संबंधित प्रश्न और कुछ जरूरी कागजात शिक्षार्थी को NIOS के वेबसाइट द्वारा दिए जा चुके हैं। सत्रीय कार्य का जवाब आपको कैसे लिखना है और कैसे जमा करना है से जुड़े अन्य मुद्दे। पहला है कि सत्रीय कार्य के जवाब के प्रथम पृष्ठ के दाएं कोने पर अपना नामांकन संख्या, नाम एवं पूरा पता और दिनांक लिखें। अपने जवाब के प्रथम पृष्ठ के मध्य में बड़े अक्षरों में पाठ्यक्रम शीर्षक कोड तथा सत्रीय कोड लिखें। सत्रीय कार्य का जवाब सभी परिपेक्ष में पूर्ण होना चाहिए और पूर्ण में जवाब वाले कागजात को वापस कर दिए जाएंगे। सत्रीय कार्य को कृपया एक साथ भेजे टुकड़ों में ना भेजे, क्योंकि यह हमारे कार्यालय में एक साथ रखे जाएंगे। तो मित्रों, आप लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि अपना जो सत्रीय कार्य आपने बनाया है उसे एक ही फाइल में करके आपको अपने अध्ययन केंद्र पे जमा करने हैं। अलग अलग टुकड़ों में देने पर शायद आपके ग्रेड कम आ सकते हैं या आपके कागजात इधर उधर हो सकते हैं। चौथा है कि आपका जवाब केवल बड़े आकार के कागज पर होना चाहिए, सामान्य कागज का प्रयोग करें, बहुत पतले कागज का नहीं। तो ये आप अपने दुकान पे किसी नज़दीकी दुकान पर से A4 साइज के पेपर ले लेंगे। प्रत्येक सत्रीय कार्य के जवाब के बीच में 4 से 5 पंक्तियां छोड़ दें। यह साधन सभी को जवाब का मूल्यांकन करते समय टिप्पणी लिखने हेतु उपयुक्त स्थान प्रदान करेगा। तो जो भी अगर आपने एक सत्रीय कार्य में 3 क्वेश्चन बनाने हैं तो आप एक क्वेश्चंस के बाद क्या करेंगे कि 4 से 5 पेज छोड़ देंगे, पंक्ति छोड़ देंगे, उसके बाद ही अपने अगले जवाब की ओर, सवाल की ओर बढ़ेंगे। सुनिश्चित करें कि आपका जवाब आपको भेजे गए इकाई के अनुसार हो, यानी आपको जो प्रश्न दिए गए हैं कृपया उससे संबंधित ही जवाब होना चाहिए, इधर उधर से कुछ भी ना लिखे। सत्रीय कार्य का जवाब जो आप अध्ययन केंद्र पर जमा कर रहे हैं उसका एक प्रति अपने पास रख ले, आगामी समय में अगर जरूरत पड़ी तो वह आपकी मदद कर सकता है। कृपया अपना सत्रीय कार्य अपने अक्षरों में लिखें, किसी और के लिखे गए अक्षरों में सत्रीय कार्य मान नहीं होंगे। अगर आपका अक्षर अच्छा नहीं है तो आप टंकन भी करवा कर सत्रीय कार्य को अपने अध्ययन केंद्र पर जमा कर सकते हैं। कृपया अपना सत्रीय कार्य निश्चित तिथि को अपने संबद्ध केंद्र के समय या कार्यक्रम संचालक को जमा करें। अगर सत्रीय कार्य जमा करने की अंतिम तिथि को कोई अवकाश हो तो आप अपना सत्रीय कार्य अगले कार्य दिवस पर जमा कर देंगे। और अंत में है कि सत्रीय कार्य क्रेडिट मुख्यतः विशेष पाठ्यक्रम से संबंधित अभ्यास आधारित 30 अंक संपूर्ण अंकों को निर्धारित करते समय जोड़े जाएंगे। यानी कि जब हम लोगों का रिजल्ट आएगा तो 70 के तो क्वेश्चन आंसर होंगे एग्जामिनेशन के और 30 अंक हम लोगों को इस असाइनमेंट से मिलेंगे। नोट में ही ध्यान देने वाली बात है जिसके लिए मैंने आज यह वीडियो बनाया, तो इस पर ध्यान दें कि सत्रीय कार्य का जवाब कृपया अपने शब्दों में लिखें। सत्रीय कार्य का जवाब किसी अन्य पुस्तक या सोशल मीडिया पर आए उत्तर पुस्तिका से मेल नहीं होने चाहिए। अगर एक अध्ययन केंद्र पर एक से अधिक शिक्षकों के सत्रीय कार्य का जवाब एक जैसा या सोशल मीडिया पर आए उत्तर पुस्तिका से मेल होता होगा तो हम उनके उत्तर पुस्तिका को वापस भेजने और पुनः लिखने के लिए बाध्य होंगे। कृपया इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें। अगर आप इन निर्देशों का पालन नहीं करते हो तो अध्ययन केंद्र पर आपके नामांकन को रद्द भी किया जा सकता है।
तो मित्रों ये थी बहुत ही जरूरी और जुड़े मुद्दे। तो कृपया करके अगर आपने सोशल मीडिया पे या किसी यूट्यूब के वीडियो से असाइनमेंट के आंसर को डाउनलोड किया और सेम टू सेम लिख लिया है तो कृपया उसमें बदलाव करें। एक जैसे उत्तर नहीं होने चाहिए, आपको उसमें कुछ चेंजिंग करके लिखनी है, कुछ अपने शब्द मिलाने हैं ताकि चेक करते वक्त जो आपके कॉपी को चेक करते होंगे उनको ये ना लगे कि आपने सीधा किसी भी तरह से उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया गया। क्योंकि NIOS के चेयरमैन ने पहले ही कह दिया था कि आप मार्केट के किसी भी पुस्तकों का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ NIOS से संबंधित जो वीडियो और स्वयं प्रभा चैनल पे जो लेक्चर दिए जा रहे हैं, जो स्वयं अप्लीकेशन पे उत्तर दिए जा रहे हैं, उससे ही आप अपने असाइनमेंट को तैयार करेंगे। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए संबंधित और ज़रूरी वीडियो ही सिर्फ लाता हूँ। धन्यवाद।